NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है. मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष. आप देखिए, आरके सिन्हा जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, पटना पहुंच गए हैं. और सबसे खास बात यह है कि आरके सिन्हा आज पटना पहुंचे हैं और आज ही रविशंकर प्रसाद के लिए अमित शाह रोड शो कर रहे हैं पटना में. और वो रोड शो की खासियत ये है कि शत्रु के घर से रोड शो की शुरुआत हो रही है, यानी शत्रु को अपना दमखम दिखाने आ रहे हैं. सवाल ये उठता है कि आरके सिन्हा आज के दिन ही पटना पहुंचे हैं, क्या वो रोड शो में शामिल होंगे, क्या रविशंकर की ताकत बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है. तो देखिए, उनके समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं और अगर आरके सिन्हा पटना में हैं और रोड शो में शामिल नहीं होते हैं, जाकर रविशंकर को आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो इसका गलत संदेश तो समर्थकों में जाएगा और क्या होगा इसका असर, ये तो चुनाव में पता चलेगा. लेकिन देखिए, आरके सिन्हा अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं, उनके समर्थक यहाँ पर हैं, पटना पहुँचे हैं अभी अभी. हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी योजना क्या है और आए हैं पटना में तो मकसद क्या है. सर, अभी अभी आप पटना आए हैं, आज ही आ रहे हैं, अभी अभी आज ही रोड शो है, क्या रोड शो में भाग लेने आए हैं? ऐसा है, मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ छपरा मांझी थाना में, वहाँ हमारे एक कार्यकर्ता का देहांत हो गया है. आज उसकी 13वीं है. बहुत दुखद मोटरसाइकिल दुर्घटना में देहांत हुआ है. तो मैं तो रास्ते में हूँ, यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी मुझे नहीं है, मुझे कोई आमंत्रण नहीं. रोड शो में आपको बुलाया नहीं गया? नहीं जी. ना, तो आप रोड शो में नहीं शामिल हो? मैं जा रहा हूँ छपरा यार, वहाँ श्राद्ध है, वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं. वो जाते ना चल जाएगा, रविशंकर को आप बुलाने आ जाएंगे तब? नहीं, देखो सवाल ही नहीं, हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं. चलिए, आपको खिचड़ी खिलाते हैं, उसके बाद निकलेंगे. तो आप देख रहे हैं कि आरके सिन्हा पटना पहुंचे हैं, तो ये खलबली मची है कि आरके सिन्हा आखिर पटना में क्यों हैं. अगर आरके सिन्हा पटना में है तो कोई विशेष मकसद हो सकता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि उनके पार्टी और संगठन से जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी है जिसका निधन हो गया है, उसके कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ से शामिल होकर सीधे दिल्ली वापस लौट जाएंगे, यानी रोड शो में शामिल नहीं होंगे. और आरके सिन्हा को अगर रविशंकर की तरफ से बुलाया भी जाता है रोड शो में शामिल होने के लिए, तो नहीं आएंगे क्योंकि उनको पहले से न्योता नहीं दिया गया है. तो नाराजगी तो साफ दिख रही है कि वो नाराज हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है. अभी तक रविशंकर प्रसाद ने उनको फ़ोन करके मदद नहीं मांगी है. अब देखिए, चुनाव में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो तो चुनाव नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन अभी भी आरके सिन्हा कह रहे हैं कि रविशंकर की जीत की दुआ मांग रहे हैं और रविशंकर प्रसाद को वोट देने के लिए हवाई जहाज से टिकट कटाकर अपने पैसे से पटना आएंगे. आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए. अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. इस महीने से आपका सिटी पोस्ट लाइव बिहार झारखंड का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला YouTube चैनल बन गया है. आपका ये सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए. नमस्कार. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.